हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाएंगे नकोदर। अभी सुबह के शायद 5 ही बजे हैं और हम सब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब हम जाएंगे। हम आए हैं अमृतसर के कहाँ पे है स्टेशन पे। हम आ गए अमृतसर के स्टेशन पे। यहाँ पे हमने पी चाय और फिर हम जाएंगे जलंधर। हम ट्रेन में बैठे हैं और अब हम जा रहे हैं जलंधर। मैं पी रही हूँ चाय क्योंकि सुबह से हमने चाय पी नहीं थी, तो ट्रेन में ही हमने चाय पी। बाकी ट्रेन की चाय ना इतनी अच्छी नहीं होती। मैंने काफ़ी जगह पी, मेरे को अच्छी नहीं लगी ज़्यादा, बट ठीक है टाइम पास। और ये है शायद व्यास नदी है शायद। बहुत सुंदर लग रही थी ट्रेन में से, हमें दिख रही थी बहुत सुंदर थी। आप भी देखो। फिर जलंधर के स्टेशन पे हमने खाए छोले और भटूरे जो काफ़ी टेस्टी थे। मतलब आलू छोले थे जो बहुत टेस्टी थे, हम सब ने वहाँ से ही खाया। तो गाइज हमारी ट्रेन तो निकल गई है और अब हम ऑटो में जाएंगे नकोदर। हम आ गए हैं बस स्टैंड पे, कहाँ के जलंधर के बस स्टैंड पे। गाइस यहाँ का जो बस स्टैंड था ना बहुत साफ और सुंदर था। फ्लावर्स भी इतने अच्छे अच्छे थे, मतलब हमारे यहाँ के बस स्टैंड पे ऐसा नहीं है कुछ। और ये यहाँ पे बस में बैठ के मन्नत कर रही थी, डांस फुल मस्ती थी इसके अंदर। ये पहले सुबह तो बीमार थी लेकिन अब अच्छे से मतलब खेल रही थी, और फिर बाद में दोबारा ये बीमार हो गई थी। हेलो, अब हम जा रहे हैं नकोदर। हाँ, पैदल पैदल जा रहे हैं, हम बस स्टैंड से आए हैं पीर की दरगाह पे। शाहबुल्ला शी की, शाहबुल्ला शाह। फिर रास्ते में हमारे शिवालय मंदिर, और ये मेरे को पता नहीं क्या है बट सुंदर है। हम पैदल पैदल चल रहे हैं और चल रहे हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। हम जोड़ा घर में अपने जो फुटवेयर्स हैं वो तो जमा करवा के आ गए हैं। और ये भी बहुत इतना मतलब यहाँ पे साफ़ सफाई थी ना, इतनी ज़्यादा थी, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे आते ही। जैसे ही हमने एंट्री ली चारों ओर मतलब खुशबू ही खुशबू आ रही थी। मैं पॉजिटिव वाइब्स जो होती है ना, वो इसका गेट है जहाँ से हम एंट्री लेंगे अंदर की तरफ। बट हम पहले अपना सामान रख दिया है हमने वहाँ पे पेड़ के पास। अब हम एंट्री ले रहे हैं अंदर। पापा जी आगे आगे चल रहे हैं। मैंने प्रसाद ले लिया है मेरे हाथ में, ये जो यहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे जाने के बाद। क्योंकि इतना कलरफुल सा था ये, इतना मतलब सुंदर लग रहा था देखने में ही बहुत ज़्यादा। देखो आप भी देख लो ये अंदर से, मतलब बिल्कुल जो मेन जगह है वहाँ पे तो वीडियोस वगैरह नहीं बना देते लेकिन यहाँ पे बना देते हैं। तो मैंने यहाँ की थोड़ी सी क्लिप्स ले ली थी, ये आप देख लो। यहाँ पे हमें मिलती है चाय का प्रसाद जो मतलब सबको ही मिलता है कप्स में, जो कोयले के ऊपर बनी हुई चाय है। ये भी पार्क है इधर इधर गांव में ही। मेरे को तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की वाइब्स बहुत मतलब अच्छी है प्योर। ये मैं आगे आगे जा रही हूँ किसी से पूछने, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा हर कोई जो है एरोप्लेन या फिर बेबी बॉय का जो टॉय होते हैं वो यहाँ पे मतलब चढ़ा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों चढ़ा रहे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हम यहाँ पे मांग के जाते हैं, जो हमारी मान्यता होती है जब वो पूरी हो जाती है तब हम यहाँ पे एरोप्लेन चढ़ाते हैं। फिर हमने करी कुछ शॉपिंग। मैंने लिया कड़ा, यहाँ का जो मतलब है मेन चीज़ जो यहाँ पे आने के बाद अगर आप नहीं लेते हो तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है। पापा जी ने लिए मोर पंख, एक
कड़ा यहाँ से मैंने पहन भी लिया और मेरी सिस्टर ने लिया है। बनी के लिए हमने एरोप्लेन लिया है। मेरे पैरों में पता नहीं क्या है वो रखा ही है। पापा ने मेरा सेफ्टी पिन से करा है ऑपरेशन, ये चीर दिया यहाँ से। ये है बाहर से व्यू जो उस साइड है वहाँ पे, मतलब स्टॉल्स लगी हुई हैं, आपको कुछ भी खरीदना है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और पापा कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं ये आप मेरे को कमेंट में बताओ गैस करके कि पापा किससे बात कर रहे हैं। जो सही जवाब देगा मैं उसको रिप्लाई करूँगी। फिर हम गए लंगर खाने, मतलब इतना टेस्टी लंगर था ना ये गाइस, बहुत टेस्टी था। जो रोटी थी वो बहुत सॉफ्ट थी, रुमाली रोटी। भाभी जा रहे हैं हम जय जय करने। फिर यहाँ पे ऑन हो गया फाउंटेन, ये सिर्फ चेक करने के लिए ऑन हुआ था क्योंकि ये पहले ख़राब था, ये सिर्फ नाइट में ही ऑन होता उन्होंने हमें बताया। आ रहे हैं वापस स्टेशन पे, शायद पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मैं साथ साथ चल रही हूँ बस, शायद से स्टेशन जा रहे हैं। हमने शॉपिंग करी है बहुत क्यूट क्यूट, अबे सपना और पापा जा रहे हैं आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे और सारे और भी पीछे पीछे आ रहे हैं बस। ये उधर मन्नत चिल्ला रही है और मैं इनको पानी भर भर के दे रही हूँ ग्लास में, मेरे को यहाँ पे पानी भरने के लिए ड्यूटी दे दी है, सबको दे रही हूँ मैं भर भर के। मन्नत रूस गई है। मैं खा रही पॉपकॉर्न। ये हमने क्यूट क्यूट पैकेट्स लिए हैं कुछ 4-5, मुझे बहुत सुंदर लगे थे ये तो हमने ले लिए। ये लड्डू को आप कौन सा लोगे? ये भाभी और ये तीनों सोते हुए बस में। मैं फर्स्ट सीट पे सो गई थी तो मुझे उन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट सीट पे मत सो, तो मैं उठ के सबकी वीडियो बनाने लगी जो सो रहे थे। भैया खेल रहे हैं गेम, पापा बैठे हैं आराम से, और ये ड्राइवर भाई मैं क्या बताऊँ, सारे रास्ते कभी गाने गाना कभी कुछ कभी कुछ, ये एक सेकंड भी हमारा ड्राइवर जो है चुप नहीं हुआ था और हम हंस रहे थे। इस ड्राइवर की वजह से ना हमारी ट्रेन भी मिस हो गई हमसे, इसने डबल टाइम लगाया हमको वहाँ पे स्टेशन पहुँचाने में। और गाइस ये शायद सतलुज नदी है शायद जो सूखी हुई है, पता नहीं ये कौन सी नदी है, शायद मेरे ख्याल से तो ये सतलुज नदी है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये कौन सी नदी है। अब हम पहुंच गए हैं लुधियाना के स्टेशन पर और ये भाभी नीचे डर रहे हैं इस एक्सलेटर पे आने से, मैं नहीं आती। भाभी और आंटी दोनों डरे हुए हैं। फिर भैया उन्हें लेने गए वापस नीचे। तो गाइस हम फाइनली ट्रेन में बैठ गए हैं लुधियाना से। हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? अमृतसर से तो आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, घर। अब हम जा रहे हैं हमारे घर, 4-5 नंबर पे। और ये अभी हमारी ट्रेन को चलने में टाइम था तो हम बर्गर खाने आ गए थे मिठूज वर्ल्ड पे, मैकडी के सामने था बिल्कुल वो। और ये सूरज छिपता हुआ बहुत सुंदर लग रहा था, ये भी रेड रेड सूरज खेतों में। अब हम रुके हैं चाय पीने, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, मलेरकोटला नहीं है वो तो जा चुका, मलेरकोटला से आगे कोई स्टेशन है, हम यहाँ पे चाय पीने आए हैं। जो उनका भी आता वही है, सर्च कर लेना। हाँ, हम वहाँ पे चाय पीने उतरे हैं। मन्नत भी आ गई, बिस्किट लाओ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और ये हमें एक फैमिली मिली थी जो मतलब बहुत मतलब घुल मिल गए थे इनके साथ, हम गेम खेल रहे थे, मन्नत बनी थी टीचर और हम सब थे उसके स्टूडेंट्स। तो देखो हमारी गेम आज लाए बिल्ली,
दिल्ली तुम्हारा पंजाब आगे तो आगे आगे मैडम अभिनंदन मैडम अभिनंदन ये अरे मजाक कर मुझे कट्टे बीच में चलो चलो मेरी बात सुनो अमृत पाल ये क्या है मैडम ऐसे क्या ओके अमृत पाल क्या आप सुनो कुछ क्या बताओ कुछ एबीसी कुछ भी नहीं एबीसी एबीसी बस इतना बहुत फाइव मिनट्स का टाइम दो या तो रीड करो और फिर मैं सुन हमने मनन को डरा दिया था कि ये जो मतलब जो फैमिली हमने मिल ली थी आपको तो इन्हीं के साथ भेजेंगे तो ये डर गई इन्होंने किसी को बाय भी नहीं की इतनी डर गई थी बाय हम नहीं लेके जाएंगे आपको ये मतलब साथ छूट रहा है ये मन्नत रो रही है इसके दोस्त जा रहे हैं लेके जाओ जब इसके बड़े दोस्त चले गए स्टूडेंट्स इसके घर चले गए तब इसने बना लिया एक और दोस्त मन्नत ने एक एक करके पूरे डब्बे में से मतलब सबको ही अपना फ्रेंड बना लिया था पूरे डब्बे में चहल पहल हो रखी थी बच्चों की दवाई दवाई
क्या हो गया क्या होगा इधर आ जाएगा मान गई कहाँ गई ढूंढो वैसे तो देख अब तो मिल ही नहीं रही मन्नत को तो कहाँ गई वैसे आवाज मार क्यों भागी आवाज मार की बहना और ऐसे ही खेलते कूदते मस्ती करते हम पहुंच गए हैं अपने घर। और अगर आपको ये पसंद आया हो ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और मैं मेरी मेरे बनी बेटे से कुछ पूछू ठीक है गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी होगा क्वेश्चंस का इंस्टा पे जो मुझसे पूछते हैं आप।